मध्य प्रदेश की बेटी मोनिका कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहे शो द बिग पिक्चर में 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंची थी। उन्होंने शो के होस्ट रणवीर सिंह को हर सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया था और इस मुकाम पर पहुंची थी, जिससे न सिर्फ नीमच जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका नाम रोशन हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गाँव पिपलौन निवासी मोनिका शर्मा MCA कर रही है। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वे मुंबई पहुंची और कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो में बखूबी प्रदर्शन करते हुए लाखों रुपए जीते हैं। फोटो देखकर प्रश्नों के जवाब देने वाले इस शो में मोनिका शर्मा 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंच गई। द बिग पिक्चर शो में एक्टर रणवीर सिंह ने जब मोनिका शर्मा से पूछा कि वे इन रुपयों का क्या करेंगी, तो उनका एक ही जवाब था कि वे सबसे पहले अपने पिता दिनेश शर्मा को बाइक दिलाएंगी, क्योंकि वे नीमच स्थित TVC शोरूम पर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें गांव से आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे सबसे पहले अपने पिता की इस समस्या को दूर करेंगी। और आज गुरुवार सुबह मोनिका शर्मा अपना सपना पूरा करने TVS शोरूम पहुंची और अपने पिता को बाइक दिलाई। वहीं जानकारी के अनुसार कलर्स चैनल की टीम भी मौके पर पहुंची है। जी, तो अभी मुंबई से टीम आई थी जिन्होंने मुझे शूट किया है शोरूम पर अपने पापा को बाइक दिलाते हुए, पूरा शूट किया है जो कि कलर्स टेलीविजन पर शो दिखाया जाएगा वापस से। और उसमें दिखाया गया है कि मैं कैसे अपने पापा को बाइक दिला रही हूँ अपने पैसों से। तो ये सब मुंबई से आए हैं कलर्स TV के चैनल से सारे सब लोग, और इन्होंने पूरा शूट वीडियो वगैरह बनाया है कि कैसे मैं अपने पापा को बाइक दिला रही हूँ, उनकी मनपसंद बाइक कौन सी है वो खरीद रहे हैं, हम लोग घूमने गए उस बाइक से, उसकी पूजा वगैरह की है और अब उसे हम घर लेके जाएंगे। तो यही सब दिखाया गया है कि मैंने अपने पैसों से अपने पापा को एक नई बाइक दिलाई। जी, मेरा सपना था कि मैं अपने पापा को अपने पैसों से खरीदी हुई एक बाइक दिलाऊँ, जो आज पूरा हो गया है, वो बिग पिक्चर की मदद से हुआ है। तो मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सारी भीड़ में से चुना और मेरे सपने को सच करने में मेरी मदद। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज फाइनली पापा को बाइक मिल गई है, अब वो आराम से आ जा पाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।